मुसलमान को पसंद नहीं करना है, मैं मुसलमान से दोस्ती नहीं करूं, कैसा थॉट प्रोसेस लेते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खूबसूरती है, सनातनी कम हो गए थे क्या? हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, किसी से भी निगाह कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहे, हिंदुस्तान की खूबसूरती पहन पहन आपको जब करेंगे आपको आपको न्योता चला जाएगा। अच्छा, तो आप निकाह करने जा रही हैं? नहीं नहीं, जब भी करेंगे आपको न्योता चला जाएगा, आना जरूर। बिल्कुल, हम आपकी शादी में आएंगे। हाँ, लेकिन उसको लव जिहाद का नाम मत बोलना, वो लव जिहाद नहीं होगा अगर होगा, क्योंकि अगर आप किसी से खुद लेकिन मुसलमानों में एक रूल भी है, आपको मुसलमान भी बनना पड़ेगा, नहीं कि आपको कलमा भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे आप कलमा? वक्त आएगा, वो सब आपको पता लग जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम पे अपनी सारी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना इतना पसंद नहीं करूंगी। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड बनाएंगे आप, इसलिए आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान का विरोध हुआ, इसलिए आप? अगर मुझे कोई पसंद है तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि मेरे को किसके साथ मेरा अफेयर हो या कोई मेरा क्लोज हो, आप मुझे नहीं बताएंगे, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं एडल्ट हूँ। ये सारे चूहे के बिल में जाके छुप गए हैं, इनकी बोलती शाहरुख खान ने कर दी है बंद। कह रहे हैं सिर्फ पंचर पुत्र जा रहे, पंचर की तमाम दुकानें बंद है, वही लोग देख रहे हैं फिल्म? सारे लोग देख रहे हैं फिल्म, मुझे अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखना था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली, मुझे सिर्फ एक टिकट मिली, मैं देखने गई, आज मैं दोबारा अपने पूरे परिवार के साथ देखने जाऊंगी, क्योंकि लोगों के फैंस इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे कि आपको सुनने में कुछ नहीं आ रहा था। पिक्चर इतनी अच्छी है, शाहरुख खान ने बोला है कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है, मैं कहती हूँ कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि पिक्चर आपको हिलने का मौका नहीं देगी। इतनी अपमान करने में आप सबसे आगे रहे, आज आप जो हरे कलर का जो है ये सूट पहन कर आ गए, तो क्या इस्लाम धर्म कबूल करने? नहीं, पहले तो ये बताइए हरे रंग से आपने मुझे इस्लाम से कैसे कनेक्ट कर दिया? रंग तो सारे भगवान, अपमान करने में आप सबसे आगे? नहीं नहीं सारे, मैं तो कहती हूँ सारे, तो क्या आपको आपका माइंड बदल चुका है? मतलब क्या आपको लगता है कि हरे ड्रेस का से आप क्या कहना चाहते हो, मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं हिंदुस्तान की नहीं हूँ, क्या कहना चाहते हो आप हरे रंग से? हर एक रंग है ना, रंग की तरह लो, मेरे आपने मेरा हरा रंग देख लिया, आपने मेरा टीका नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि आज दिन क्या है और मैंने एक फ्लैग लगाया हुआ, आपने ये नहीं देखा, पर आपने मेरा हरा रंग देख लिया। यही तो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि आप सिर्फ परसेप्शन पे मत रहिए, आप उसके आगे जाइए, आपको जो देखना है वही देख रहे हैं बीजेपी के चश्मे से, आप बीजेपी के मुसलमानों से तो प्रेम है, मुसलमान इतना प्रेम क्यों है मुसलमान? मेरे सारे दोस्त हैं मुसलमान, क्या पता मेरा कोई मुस्लिम नहीं। देखिए, मेरे को सब सही लगते हैं, सब इंसान है, वो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, सब मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, मैं मानती हूँ मेरे दोस्त हैं, आप लोगों में से भी कोई मुस्लिम होगा और क्या पता कोई चाहने वाला हो मेरा मुस्लिम, चक्कर वही है। आप लव जिहाद करें मुस्लिम, लव जिहाद का मेरे को लगता है मुझे आपको पहले मतलब समझा देना चाहिए। लव जिहाद तब होता है जब लड़का अपना नाम अपनी आइडेंटिटी छुपा करके वो लव करता है, लेकिन अगर लड़का अपनी आइडेंटिटी बता करके लव करे, बताए कि मैं मुसलमान हूँ, तो फिर लव जिहाद क्या हुआ? अगर मुझे बॉयफ्रेंड का नाम क्या? नहीं नहीं, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस में बताना नहीं जरूरी समझती अभी, मुस्लिम है ये तो क्लियर कर दिया आपने। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई पसंद है तो उसमें आपको पत्नी क्या है? मतलब अब आप मेरे को इस पे भी रोक लगाएंगे कि मुझे मुसलमान को पसंद नहीं करना है, मैं मुसलमान से दोस्ती नहीं करूँ, कैसा थॉट प्रोसेस लेते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, किसी से भी निगाह कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहे, हिंदुस्तान की खूबसूरती पहन आपको जब करेंगे आपको न्योता चला जाएगा। अच्छा, तो आप निकाह करने जा रही हैं? नहीं नहीं, जब भी करेंगे आपको न्योता चला जाएगा, आना जरूर। बिल्कुल, हम आपकी शादी में आएंगे। हाँ, लेकिन उसको लव जिहाद का नाम मत बोलना, वो लव जिहाद नहीं होगा अगर होगा, क्योंकि अगर आप किसी से खुद लेकिन मुसलमानों में एक रूल भी है, आपको मुसलमान भी बनना पड़ेगा, नहीं कि आपको कलमा भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे आप कलमा? वक्त आएगा, वो सब आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड बनाएंगे आप, इसलिए आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान का विरोध हुआ, इसलिए आप? अगर मुझे कोई पसंद है तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि मेरे को किसके साथ मेरा अफेयर हो या कोई मेरा क्लोज हो, आप मुझे नहीं बताएंगे, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं एडल्ट हूँ, मेरे को जिससे बात करनी होगी मैं करूंगी। अच्छा, शाहरुख खान का जो विरोध हुआ उसकी वजह से मुसलमानों के प्रति मोहब्बत जागी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हिंदुस्तान की जनता से प्यार करती हूँ और सब एक है, मुझे कोई किसी में धर्म नहीं दिखता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुझे कोई नहीं दिखता, मुझे सब एक ही लगते हैं। वो बात अलग थी, वो बिल्कुल अलग थी, वो लड़की मैं उस मुद्दे पे जाना नहीं चाहती, वो लड़की ने अपने घर वालों से बहुत कुछ छुपाया था, जब वो इतने टॉर्चर में थी उसको बोल देना चाहिए था ना, वो बोली नहीं, वो चुप करके सहती रही, तो उसके बाद उसको रिपरकशन झेलने पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हिंदुस्तान, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हो, क्या उन सबके खून अलग है? सबका खून एक है क्या? वो तो फिर नहीं नहीं, रूल्स अलग नहीं है, सब आप मुसलमान बॉयफ्रेंड बनाएंगे तो उसमें जो है इस्लाम भी कबूल करना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू भगवान को मानता है, मुस्लिम अल्लाह को मानता है, तो ऐसा नहीं है, हर बंदा हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपने एक भगवान को मानता है, तो आप ये मत सोचिए।
मैम पठान फिल्म देखकर जो है आपका पूरा माइंडसेट बदल गया एकदम, आप जो है मुसलमान से शादी करने के लिए तैयार। मैंने ऐसे नहीं बोला, देखिए आप अपने ना वर्ड्स को क्या कहीं लव जिहाद बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं करी। लव जिहाद है कहाँ आप हर चीज में, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। लव जिहाद का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, जब क्या हुआ कि आप मुसलमान से शादी करने को तैयार हो। मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, मैंने कहा अगर मुझे कोई पसंद होगा, अगर आपने अगर हटा दिया, देखिए नहीं नहीं आपने अगर हटा दिया, नहीं नहीं मैंने बोला अगर मुझे पसंद होगा, आप तो कह रहे शादी करने को तैयार होगी, अगर बोला है ना सुन लो आप बीजेपी के चश्मे, बीजेपी के जो कान है ना आपके, पहले तो चश्मे थे, पहले तो आपके बीजेपी के चश्मे थे, अब बीजेपी के कान भी हो गए आपके।